हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जुलाई दिवस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मई दिवस के बारे में बताए थे, मई के बाद जून दिवस के बारे में बताइए, अब चलेंगे जुलाई दिवस के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, यानी क्या है पहला पॉइंट कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि कब इसको लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यहाँ पे आती है बात जीएसटी की, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हर साल 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1962 में। यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। यह हर साल 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यह हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। यह हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? नेल्सन मंडेला दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। यह हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 जुलाई को मनाया जाता, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कहां से शुरुआत हुआ था? बॉम्बे से। इसके शुरुआत राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 से शुरू हुई थी। और कहां से शुरुआत हुआ था? बॉम्बे से। अगला पॉइंट है कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है। आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई 2020 को यह 160वां आयकर दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 24 जुलाई 2020 में 160वां आयकर दिवस मनाया जाएगा। चलते हैं अगला पॉइंट है कि
कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, यानी कि 1999 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो उसी का नाम रखा गया कारगिल युद्ध का नाम रखा गया। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।